जज्जपी क्या कर रही हो? अरे क्लास पढ़ लो। 15 इयर्स के ऊपर वालों को वैक्सीन स्कूल पे लगाना है 11 से 12 परसों। चलो ठीक, परसों नहीं कल। शांति कल मैन। हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदी सबके जाम में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और आप सबकी दुआओं की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब एकदम ठीक है। आज है 5 जनवरी, मतलब सारा का बर्थडे है, तो आज भी ब्लॉग बहुत मजेदार होने वाला है। आज हम सारा को गिफ्ट भी देंगे और क्या क्या करेंगे वो आप सबके साथ शेयर करेंगे, तो इस ब्लॉग में बने रही है। और आज के ताजा समाचार ये है कि कहीं खुशी है तो कहीं गम है। खुशी इस बात की है कि सारा का बर्थडे है, गम इस बात का है कि वैक्सीनेशन का बुलावा आ गया है। खाला यहाँ पे सो रही है, डेकोरेशन हमने हटाया नहीं, जब तक रहेगा तब तक ये इसी तरह रहेगा। और अम्मी बाहर इस तरह बैठी हैं, भाई भाभी काम पे गए, अम्मी कबूतर को खिला रही हैं। इधर आओ। सोच रही थी कि हम लोग पहले से चार्ज तो कर लेते हैं ना। अभी हम यहाँ पे सारा का गिफ्ट जो है वो थोड़ी देर बाद देने वाले हैं, तो हम सोच रहे हैं कि पहले हम उसे चार्ज कर ले। ठीक है, मेरे कपड़ों में छुपा दो, तुम्हारे कपड़े भी गिरेंगे। और वैसे चार्जर ने रख दिया, चार्जर रहेगा फिर सारा को देंगे। अभी चलते बाहर। तुमको कितनी जासूसी करना होती है, बैठ जाए एक जगह। अभी मेरे पास टाइम है फ्रेंड्स थोड़ी देर, तब तक मैं जो सारा का बर्थडे ब्रिंगिन में शूट किया था ना वो एडिट करके व्लॉग मुझे आज ही डालना है। मेरे पास टाइम कम है, 2 भी बज गया, मुझे 4 बजे डालनी है, तो मैं एडिट कर लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। फ्रेंड्स मैं शाल ले लेती हूँ और मैं पहन रही हूँ ये वाला आउटफिट। मगरिब की नमाज जो है वो हो चुकी है, अभी चल के हम चाय पियेंगे, उसके बाद कुछ और करेंगे। तो अभी नमाज के बाद मैं और अम्मी चाय एंजॉय कर रहे हैं। ज्यादा दूर क्या, लेकिन अच्छी लग रही है। तो फ्रेंड्स मैं हो गई रेडी, बड़ा प्यारा सा सूट पहना है, तो सोच रही हूँ इसके साथ चूड़ी भी पहन लूँ। मैचिंग नहीं कर रही है, लेकिन मुझे रुकैया ने दी थी बड़े प्यार से, ये मौदा की चूड़ियाँ हैं, बड़ी स्पेशल है मेरे लिए। तो मैं एकदम फुली ड्रेस्ड हो गई हूँ, लेकिन एक चीज मिसिंग है, गैस करिए क्या। देखो दो चीजें होनी चाहिए जब आप फुली ड्रेस होते हैं, एक तो स्माइल और दूसरा परफ्यूम। आपको पता ही है कि आजकल मुझे परफ्यूम की बहुत ज्यादा क्रेज हो गया, बहुत ज्यादा शौक हो गया। मैं एक नया वाला परफ्यूम ट्राई करने जा रही हूँ, वो आप सबको दिखाती हूँ। रिजा लेके आना, उनके साथ जाना भी है क्योंकि इनके ना फ्रेंड का क्या है बर्थडे, तो उसके लिए मुझे कुछ दिलाने जाना है। तो आज हम ये मामाअर्थ का न्यू परफ्यूम ट्राई करेंगे, जिसकी अनबॉक्सिंग होगी तो इन्हें सबसे पहले आना होता है। पैकेजिंग जो है वो बहुत ही प्यारी है अंदर से, वाह। अच्छा फ्रेंड्स, आपको मैं एक चीज और बताना चाहती हूँ, तुम दोनों भी सुन लो, तुम लोगों की भी काम की चीज है। हर एक इंसान का जैसे अलग एक पर्सनालिटी होती है, सबकी एक यूनिक पर्सनालिटी होती है, अपना प्रेफरेंस होता है। जैसे फैशन में होता है, तुम्हें कुछ पहनना पसंद है, तुम्हें कुछ पहनना पसंद है। तो अगर हमें हमारे पसंद की फ्रेग्रेंस मिल जाए जो स्पेशली यूनिक हो हमारे लिए, तो कितना अच्छा होगा। तो अभी पता है मामाअर्थ ने ये वाली प्रॉब्लम हमेशा की तरह सॉल्व कर दी है। फ्रेग्रेंस भी हम देखते हैं कैसी है। बहुत अच्छी स्मेल, बहुत अच्छी है, अच्छी है ना। हाँ। जब भी परफ्यूम, तुम लोग को एक बात बता रही हूँ, जब भी परफ्यूम लेने जाओ या कभी लगाओ तो हमेशा यहाँ पे मेरी नर्व्स होती है वहाँ लगाना है, यहाँ मजा आ गया, बहुत सुकून अंदर तक चला जा रहा है, बहुत सॉफ्ट। अरे सच में अलग है थोड़ी, अब मेरे हाथ में देखो, जल्दी दिखाइए। और चेंज हुई शानुपी, इस परफ्यूम की यही खासियत है फ्रेंड्स। देखा तुम लोगों ने, ये परफ्यूम तो एक ही है लेकिन जो इसके सेंट है वो डिफरेंट डिफरेंट है। इसकी ये खासियत है कि जब इसे अलग अलग लोग लगाएंगे तो उनकी स्किन का जो ऑयल होता है उससे मिक्स होकर ये एक डिफरेंट सिग्नेचर फ्रेग्रेंस क्रिएट कर लेगा, जो की बहुत ही सॉफ्ट और प्लेजेंट होगी। फ्रेंड्स मैं आपको इसकी और भी खासियत बता देती हूँ जो की मुझे बहुत अच्छी लगी। इस तरह का ऐसा पहला परफ्यूम है जो वेयर करने वाले के हिसाब से अपनी फ्रेग्रेंस चेंज करता है, जो की बहुत ही अच्छी बात है। इंडिया फर्स्ट मेड सेफ सर्टिफाइड फ्रेग्रेंस है, यूनिसेक्स है, लड़के और लड़कियां दोनों इसे लगा सकते हैं और ये लॉन्ग लास्टिंग है, मतलब 12 आवर्स तक रहता है। अम्मी देखो अच्छा है ना परफ्यूम, इधर करते हैं अम्मी। अच्छा, हम सबको ये परफ्यूम जो है वो बहुत ही अच्छा लगा। और आपको तो पता है कि मामाअर्थ के सारे प्रोडक्ट्स जो है वो बहुत अच्छे होते हैं। और फ्रेंड्स उनकी एक बात बहुत अच्छी है, उनका प्लान गुडनेस इनिशिएटिव, तो जब भी आप उनसे कोई प्रोडक्ट परचेज करते हो तो वो आपको ऑर्डर वो ट्री के साथ लिंक कर देते हैं जो कि उन्होंने प्लान किया होता है। आप अपनी ऑर्डर आईडी के साथ उनकी वेबसाइट पर जाके वो ट्री को देख सकते हैं, आपको भी अच्छा फील होगा। तो इस तरह से आप एक बहुत ही अच्छा तो प्रोडक्ट यूज ही कर रहे हैं, साथ साथ एनवायरमेंट के लिए भी कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। और आपको एक चीज और बतानी थी, मामाअर्थ की ना ऑफिशियल ऐप भी है जिसकी एंड्रॉयड और आईओएस लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, तो वहां से जाके उसे डाउनलोड कर सकते हो। तो इस तरह से क्या होगा, जो भी नए ऑफर्स आएंगे आपको उसका अर्ली एक्सेस मिल सकता है। आपको ये प्रोडक्ट अच्छा लगा है तो आप इसे अमेज़न, फ्लिपकार्ट, नायका, मामाअर्थ की ऑफिशियल वेबसाइट या ऐप से परचेज कर सकते हैं। अगर आप मामाअर्थ की ऑफिशियल वेबसाइट या ऐप से जाके परचेज करते हैं तो मेरा कोड यूज करना मत भूलिए, जो कि SABA2022, तो आपको 20% डिस्काउंट भी मिलेगा। रिजा की फ्रेंड का बर्थडे, हम रिजा को और सारा को वहाँ पे छोड़ने जा रहे हैं, पहले लोग उसके लिए गिफ्ट लेंगे,
तो हम लोग पहुंच गए स्टेशनरी, वहां पे रिजा अपनी फ्रेंड के लिए चीजें देख रही थी और ये किट जो है वो बहुत ही अच्छी लग रही थी, उसने डायरी भी ली है, ये लोग बड़ा एक्साइटेड है, गिफ्ट्स ले लिए हैं, अभी उसे पैक करा के रिजा जाएगी। रिजा लोगों को छोड़ के आ गए। अम्मी क्या लगा रही हो? हम टमाटर सहित। अच्छा, को फ्रेंड्स पैक करने का टाइम नहीं मिला था, हम सारा गिफ्ट जो है वो खुद से यहीं पे ही पैक कर रहे हैं। तुम अच्छी चीज को भी ऐसे रख के खराब कर देती है, इसको फोल्ड करके रखना चाहिए ना। दो महीने पहले की है और टेप भी नहीं है, हाँ बस डबल टेप है। पहले जाके ना उसकी आंखें बंद करो और उसका ब्लाइंड फोल्ड वाला जो टेस्ट होता है ना वो करेंगे। लेकिन गिफ्ट के चक्कर में दिन भर परेशान कर लिया। रजा बांधो उसको अच्छे से, इसके हाथ में कीड़े मकोड़े देंगे आज। देखे, तो तुम पीला पहनो, हम लोग कलर। सारा तुमने ही कहा था कि तुम्हारा रेजोल्यूशन है कि तुम्हें इंग्लिश में बात करनी है, नाउ यू हैव टू टॉक इन इंग्लिश, ओनली इन इंग्लिश। तुम चूहा पकड़ लेती हो ना? हाँ, चूहा और छुपकली कॉकरोच तो मेरे फेवरेट है। अरे शालू, मैं तो घर की भी मारती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। लेके आती हूँ, पहले छुपकली लाऊंगी। रिजा इतना बुरा फेंक रही है कि उसको भी समझ में आ जाएगा छुपकली कहाँ से लाई। चलो आ जाओ, है क्या चीज, जैसे हमें भी पता चले उससे ज्यादा तो हम लोग सारा हाथ दिखाओ। और तुम्हें जो भी बोलना है इंग्लिश में ही बोलना। देख रहा है, देख रहा है, तो ऐसे पकड़ लो तुम। चलो हाथ आगे, जरा इसे कांटे चुभ जाएंगे। अरे जानू पी क्या। सारा हाथ आगे करो, हाथ आगे करो, अपना गिफ्ट ले लो बस। तुम्हें पता है तुम्हें खतरों के खिलाड़ी में जाना था ना? जाना है, जाना है, अभी भी बोलती है। क्या बोला रानी ने? अरे यार चलो अब खत्म, हमारा गेम अम्मा ने खत्म करा दिया। उचकना मत, कुछ भी हो सकता है और जानवरों को खतरा नहीं पहुंचाते हैं। अब इतना बड़ा पहचानो तो, इतना बड़ा मेंढक कहाँ मिला? ओह नो, मेंढक। हम सारा की तरफ है, सारा तुम पकड़ो। ये क्या, वो दो पन्नी इसमें वो बन, आवाज नहीं, आवाज नहीं, आवाज नहीं, उसको गेस करना। सारा बताओ क्या है? कि वो पेंसिल इरेजर का सेट। ये क्या है, देखो क्या है, देख के डब्बे में नहीं समझ आ रहा। आई शैडो। नहीं, आई शैडो। मैं ऑनलाइन क्लास करती हूँ ना, इसलिए अब इसमें कर लिया। दबा के रखो ना बस। यही क्रोमा में लेने गई थी आप? ऑनलाइन क्लास करने के लिए दिया है, गेम खेलने के लिए नहीं, पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि बड़ी क्लास है, बहुत सारी चीजें मोबाइल में सर्च करनी पड़ती है, तो इससे तुम्हारा मतलब स्कूल का सब चल जाएगा। खुशी के ठिकाना नहीं होगा अभी तक, तो फिर पूरा सो कॉन्फिगर करना पड़ेगा। ठीक है, ये इसका चार्जर है। क्या सोचा था इतना कुछ, वही था छोटी मोटी चीजें, मास्क और वो सब कुछ। ये रिजा रेहान की तरफ से है, सब क्लास से रिलेटिव दिए। अरे इसके अंदर भी है दिल पैर रिजा। ओह कलर, अच्छा पूरा ज्योमेट्री बॉक्स, सारे इसके मैथ्स के लिए, और ये स्केच बुक सारे, मतलब सब यूज में आएंगे। हमारे स्कूल टाइम की याद आ गई, इससे भी हम लोग लिखा करते थे पेन पे। और अम्मा की तरफ से भी गिफ्ट आ गया। सारा सारा इसकी पार्टी दो। नहीं तुम खिलाओ सबको। क्योंकि सेल्फी आपने तो अंदाजा ही नहीं लगने दिए। हम ये वाला पहन ले। हाँ पहन लो, अच्छा लग रहा है। ये वाला हम पहन रहे हैं, देखो दिखाओ। बिल्कुल तुम लोग हल्दी मेहंदी के जैसे तैयार हो रहे हो। अच्छा छोटी का लम्बी ने। सारा बर्थडे पार्टी का पार्ट टू होने जा रहा है, अभी सब जा रहे हैं ऊपर डिनर के लिए। मी रेडी, राजा खड़ा रेडी, हल्दी मेहंदी की दुल्हन भी आ गई है।
हल्दी में जा रहे हैं। तो अभी हम लोग आ गए ऊपर। भाभी ने बहुत ही अच्छा सा केक मंगा के रखा था, काफी अच्छा डिनर सब अरेंज करके रखा था, फिर केक कटा, फोटोग्राफ्स खिंचवाई। तुम लोग अभी स्कूल में तो याद कर लो आगे का, आता है सुना? मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, हैप्पी बर्थडे डियर सारा। होगा तो कमेंट में बता दीजिए। फिर हम लोग नीचे आ गए और फिर सारा बहुत देर से जिद कर रही थी ऑन कर दीजिए, और देखो कितने ध्यान से देख रही है एक्साइटमेंट के साथ। फिर मैंने वो सारी चीजें जो होती है वो किया और उसको दे दिया, और देखिए माशाल्लाह वो कितना खुश है। मौदा से अभी तक ये सूटकेस अनपैक नहीं किया था, अभी भाभी को ये चाहिए तो हमने सारी चीजें ऐसे डाल दी है, और डिस्पोजेबल प्लेट भी चाहिए, वो लोग कहीं जा रहे हैं तो हम इसी में रख के ऊपर दे आते हैं। निकलेगी अच्छा, तुम जग रही हो, तुम सोने वाली थी, वही जस्ट हम ब्लैक के छोड़ के लेटे वैसे ही उठ गए। ढाई बजने वाले हैं, लशालो पे तुम सोचो अभी मत कहना, शालो पे नहीं करिए ना, शालो चल भी बहुत कुछ होता है रात में, आप क्यों ऐसे दूर जा रही है, चल भी मुझे लिफ्ट चालो अभी नहीं ना, हम क्यों रात में चार लेफ्ट तो हम लोग इतना ज्यादा शोर कर रहे थे कि भाभी आवाज सुन के आ गई कि क्या हो गया, और वो ही ले गई। खुद डरती और ऊपर से खुद भूत की बात भी निकालती है, अभी ऊपर से सुन के आ गई इतनी रात में, लेकिन मजा है। अम्मी जैसे लिफ्ट में गए एकदम, अम्मी लिफ्ट को अम्मी कह रहे नाटक लिफ्ट की खट की आवाज है उछल गई है तो नाचा जब डरती है तो बात क्यों निकालती है भूत की खुद से, हमारे दिमाग में नहीं होता क्योंकि शालू अब भी रात हो गई और खुद ही डरेगी। ऐसे तो करती हमसे, कहती निकालो हम जब ज्यादा खतरनाक निकालने लगते हैं तो फिर कहती कि बंद कर, तो बंद कर। गुड नाइट, फोन चालू हो गया, आगे का मेरे हाथों से ही। तो इसमें तुम्हारी अच्छी किस्मत बोलो या बुरी? अच्छी किस्मत मेरी। क्यों? मतलब आज मेरा सब अच्छा ही होगा, मैं तो सोच रही थी नया जला दूं। नहीं, आज मैंने सोचा था कसम मैंने सोचा था कि अगर आज ये नहीं ठीक होगा, क्योंकि तुम्हारी ऑनलाइन क्लास मिस हो रही थी, मतलब मेरे से कर, लेकिन अगर फिर इत्तेफाक हो गया तो जब होगा तब बस। उसके बाद संतोष भैया और जो ऊपर काम करते वो वाले भैया, मैं और रिजा निकल गए शॉप के लिए। हमें जो किचन का पत्थर होता है ना, जो प्लेटफॉर्म होता है, वो आज फाइनल करना था, क्योंकि काफ़ी दिनों से घर का काम डिले हो गया है। तो हमने जाके किया, वहाँ पे देखा, और ये वाला हम पहले भी देख के आए थे, तो आज फाइनल कर लिया और पेमेंट भी कर दिया। उसके बाद किचन का टाइल्स भी हो गए हैं, प्लेटफॉर्म भी हो गया, अभी बचता है सिंक। तो हमें उन्होंने बहुत सारे वैरायटी देखा है सिंक में, तो हमने एक थोड़ा सा, उन्होंने कहा था नया तरीके का है, वो वाला ले लिया है। अब अगले बार हम आएंगे किचन के टैप्स लेने के लिए, किचन के नहीं मतलब पूरे घर के टैप्स लेने के लिए। तुम वाले जो ऐसे ऊपर कर दो ये नहीं। हाँ ऐसे। अरे इंग्लैंड से आया है। तो घर का काम जो था वो देख लिया। उसके बाद ये जो घर में इतनी सारी चीज़ें फैली पड़ी थी, चूड़ी, वो सब हम लोगों ने सारी अच्छे से जमा के रखी। ऊपर के घर में मैं एक चूड़ी का बॉक्स जो बड़ा सा होता है वो ज़रूर लूँगी। उसके बाद मैंने थोड़ा सा पेंटिंग किया, और खाला लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें जो देनी थी वो दी। सब लोग देखिए कितना ज़्यादा खुश हो रहे हैं। फ्रेंड्स, आज हम लोगों ने दिन भर साफ सफाई की, पेंटिंग वालों ने कैमरा होते साथ मुँह छुपा लिया। तो अब मुझे लग रहा है कि सारा की फ्रॉक अब पहन चुकी है, तो नाजा खाला इसको पैक करके रख दे, क्योंकि ये भी बहुत ज्यादा अंदर भरे भरे कपड़े इससे लग रहे हैं। तो मैं ये वाला झोला लाई हूँ, तो हम ये कह रहे हैं, तो हम ये कह रहे हैं कि दो कचरे की पन्नी ले लो, एक में ये रख दो, एक में रख दो, तो क्या खराब है? इतनी महंगी भरा कचरे की पन्नी भी रखा है। अच्छा रिजा, तुम वोट दो, कचरे की पन्नी में कचरा नहीं तो वो तो पन्नी हुई ना, नॉर्मल पन्नी। मैंने अपने 3 महीने उस पर कपड़े रखे हैं। बेटी खाला तुम वोट दो। नहीं नहीं सही बात है, ऐसा कुछ भी नहीं, पन्नी है, पन्नी तो पन्नी है। नहीं नहीं तुम बताओ तुम्हारा क्या कहना है। अच्छी से ब्लू बॉल तो पन्नी तो पन्नी है ना। देखो देखो, एक मिलेगी बड़ी ढूंढने से, दूसरी उसमें ठेस ठेस के भर भर के रखोगी। अब तुम्हें एक के लिए अकेली एक मिल रही है, दूसरे के लिए दूसरी मिलेगी। बड़ा
से बड़ा साइंटिस्ट आके तुम्हें गलत ठहरा देगा कि पन्नी तो पन्नी है। लेके आ जाके दूसरी पन्नी लेके आ। चलो पी कमरे में रख के आ। फिर से और क्या? इतना ज्यादा कैन कैन हो जाता है कि वो एक सूटकेस में दो ही आ पा रहा पन्नी में नहीं रख रहे सुबह सूटकेस में रखेंगे डायरेक्ट। फ्रेंड्स देखिए आज काफी हद तक रूम जो है जो दिन पूरा बिखर गया था हमने सेट कर लिया है। फ्रेंड्स एक मैं घड़ी देख रही हूँ, वैसे घड़ी नहीं देखती तो एक बजने वाला है। आज है 6th जनवरी 7th लग गया। अरे के बर्थडे का व्लॉग आपने देखा जो हमने ब्रिंग इन किया था, आपको डेकोर बहुत पसंद आया। हम सबकी तरफ से दिल से थैंक यू कि हम लोग ने बहुत दिल से और बहुत मेहनत से किया था। हम लोग भी अपने लिए करना चाहते थे और आप सबके लिए जो देख रहे हैं तो आप लोग भी इस तरह करें। एक आइडिया हम लोग आपस में शेयर करते हैं ना, वो होता है कि हम भी कुछ करते हैं, आप हमसे कुछ सीखते हैं, हम आपसे कुछ सीखते हैं। फिर उसके बाद ऊपर गए नेक्स्ट डे, वहां पे बर्थडे हुआ, वो भी आपने इस ब्लॉग में देखा। सारा को इतने अच्छे अच्छे गिफ्ट मिले भाभी के और भाई की तरफ से, वो कितना अच्छा म्यूजिक सिस्टम हाँ। मिला है। रिजा तुम भी कुछ बोलो। ज्यादा अच्छा मिला हाँ, और रिजा का एग्जाम जो है वो अच्छे जा रहे हैं। आज हमने दिन भर कोई ज्यादा व्लॉगिंग नहीं की है क्योंकि ऊपर के काम के लिए हम पहले आपने देखा होगा वॉश बेसिन किचन के लिए लेके आए हैं। उसके बाद हमने अपनी सारी ज्वेलरी पहले बहुत आपने देखा होगा पिछले बार भी की थी जब भी ये लोग आते हैं। इस बार हमने क्या किया कि सिल्वर ज्वेलरी अलग कर लिए, गोल्डन अलग कर लिए और बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें हमने हटा दी। हम किसी जरूरतमंद को दे देंगे, कुछ हमने घर में आपस में ले लिए हैं। फिर मेकअप जो काफी दिनों से रखा हुआ था वो सब खाला लोगों को दिया, वो आपने देखा। तो आज का दिन इस तरह गुजरा, बहुत अच्छा लगा। हम चलते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा मुझे बहुत सी चीजें कहनी होती है, मैं दिन भर सोचती हूँ कुछ कहूंगी और फिर जब कैमरा ऑन होता है तो मैं भूल जाती हूँ। अगर भूल गई तो चलो कोई बात नहीं। और आज एक चीज और हो गई थी बहुत बड़ी गड़बड़, मैं आपको कल वाले ब्लॉग में दिखाऊंगी ना कौन वो गड़बड़। ठीक है मैं आपको कल बता दी। चलो अल्लाह हाफिज, लव यू। और कुछ कहना है तो नहीं, इस तरह प्यार देते रहिए और आते रहिए, हमें देखते रहिए। अल्लाह हाफिज।